दोस्तों क्या आपको पता है सांप के कान नहीं होते हैं, तो फिर वह किसी की आवाज को कैसे सुनता है और मच्छर इंसान को क्यों काटता है, ऐसी ही फैक्ट मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको मालूम है सांप के कान नहीं होते हैं? यदि सांप के कान नहीं होते हैं तो क्या वह बहरे होते हैं? तो आखिर सांप सुनते कैसे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सांप बहरे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसके सुनने की क्षमता कम होती है। कारण यह है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और न ही मध्य कान होते हैं, बस एक छोटी सी हड्डी होती है जो उनके जबड़े की हड्डी को भीतर कान की नली से जोड़ता है। सांप जो है आवाज आहट को अपनी त्वचा से ग्रहण करता है और वह उस आवाज को अपने जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतरी कान की नली तक पहुंचाती है और वह इस तरह से किसी चीज का आवाज सुनता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको मालूम है उठनी के दूध से दही नहीं जमा सकते हैं? आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों नहीं जमा सकते हैं, दूध से दही जमा सकते हैं ये तो सबको मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उठनी का दूध सफेद होता है लेकिन स्वाद में नमकीन और हल्का तीखापन होता है। ये नमकीन के कारण बैक्टीरिया नहीं बन पाता है, जिसके कारण दही लिक्विड के ही तरह रहता है जिसे सिर्फ पी सकते हैं। लेकिन इसके दूध का इस्तेमाल घी, चाय, खीर बनाने में किया जा सकता है। वैसे हर जगह इसका दूध आसानी से मिलता भी नहीं है। यदि आप कभी उठनी के दूध का यूज किए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है एक ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर से किसी से भी डिवाइड हो जाएगा? वह नंबर जो है 2520। इस 4 डिजिट के नंबर को 1 से लेकर 9 तक के नंबर से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाएगा। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। फैक्ट नंबर फोर, यदि आपके पास कोई आकर बोलता है सबका DNA अलग अलग होता है तो आपके मन में चलता होगा बहुत ज्यादा अंतर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का DNA 99.99% सेम ही होता है। DNA सिर्फ 0.01% ही सबका अलग होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का बाल, नाखून या कोई और चीज मिलने पर उसका DNA का पता लगाया जा सकता है और इसी 0.01% DNA के अंतर की वजह से किसी चोर, डकैत, हथियारा को आसानी से पकड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको मालूम है मच्छर क्यों पीते हैं इंसान का खून? क्या आपको ये बात पता है कि इंसान को मेल मच्छर नहीं बल्कि फीमेल मच्छर काटती है? वह इसलिए काटती है क्योंकि उसे इंसान के खून की जरूरत होती है, क्योंकि फीमेल मच्छरों की खून की जरूरत इसलिए होती है ताकि वह नए बच्चे को जन्म दे सके। ऐसा कहा जाता है कि मच्छरों को अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है जो उसे खून से मिलता है। यदि फीमेल मच्छर के जीवन काल की बात करें तो वे करीब 2 महीने तक ही जिंदा रह सकते हैं, जबकि मेल मच्छर करीब 15 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। इसलिए आप जितना मच्छर को मारते हैं सब मच्छर फीमेल ही रहती है। क्या आप भी मच्छर से कभी परेशान हुए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें।